तुझे इससे कहा? कहीं ये मार्किन की फोटो तो नहीं? अच्छा समझ गया, पर हमरे काम की कीमत का हो? तुझे मालिक एक नया ट्रक दिलवा देगा। अरे वाह, तब तो ठीक है। इस काम में चूक नहीं होनी चाहिए, अगर चूक हुई तो हम तुम्हारा ट्रक लेकर तुम्हें रौंद देंगे। फोटो और सुनो, काम हो जाने के बाद मालिक को फोन कर। ठीक है। मधु, गीता, आज तुम लोगों ने बहुत मेहनत की। वैसे भी अब जिम्मेदारी ली है तो और वैसे भी अगर नंदिनी जी की जीत हो गई तो भला तो सब पूरे गांव का होगा ना। देखो गीता, नंदिनी जी की जीत निश्चित है और अब तो पूरा गांव हमारे साथ है ना। अरे मैं तो भूल ही गई, हमें पुरानी बस्ती जाना था ना कुछ लोगों से मिलने। हाँ हाँ, चलें तो देर हो जाएगी। हाँ, चलें। अरे नंदिनी जी, आप अब तक यहाँ पे घर नहीं गई? मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। चलिए घर चलिए। मेरा इंतजार, लेकिन आज बहुत सारा काम है, मुझे पुरानी बस्ती भी जाना है कुछ लोगों को मिलने के लिए। आप घर चलिए, मैं आ जाऊंगी। ठीक है, ज्यादा देर मत कीजिएगा, ध्यान से जाइएगा। हाँ चलिए। अभी यहाँ से निकली, बस थोड़ी ही देर में सड़क से होकर गुजरेगी। जैसे ही वो सड़क से गुजरे उसे उड़ा देना। लाश की ऐसी हालत करना कि सड़क से खुरच खुरच के निकलना पड़े, समझ गए? चलो। नहीं खाएगा। खाएगा अभी? नहीं खाएगा, नहीं खाएगा। ए, है किसी के मुंह में जवानी, ये अमरूद खा के दिखा दे कोई। इस गांव के मुंह को जवानी रहनी होगी, इनके मसूड़ों को स्वस्थ और दांतों को। Thank you.
आज क्या बात हो गई है? नंदिनी जी मुझे लेके कुछ ज्यादा ही परेशान है। आप जाके आइए, हम लोग रुकते हैं। नहीं नहीं, मुझे देर हो रही है, बच्चे घर में भूखे होंगे, मैंने उनके लिए आज कुछ भी नहीं बनाया है। तो तू जा, मैं यहाँ रुकती हूँ। अच्छा हाँ, लोग कल सुबह 10 बजे मिलते हैं। ठीक है ठीक है सुनीता जी, ध्यान से जाना। नंदिनी जी क्या हो गया, आप इतनी घबराए हुए क्यों हैं? बात ही कुछ ऐसी है, इस वक्त आप कहीं मत जाइए, मेरे साथ सीधा घर चलिए। लेकिन हुआ क्या, ऐसी क्या बात हो गई? क्रियाकर्म मैं करूंगा सुनीता। पीहर पीहर पीहर। नंदिनी जी अब तो पानी सर से ऊपर गुजर गया है। सुनीता जी बेचारे की उनकी हत्या जिस तरह से की है, ये खबर सुनकर मैं पूरी तरह से दहल गया हूँ। अब तो ऐसा लगता है इस गांव में किसी की जिंदगी सुरक्षित नहीं है। नंदिनी जी और जानती हैं आप,
वो जो सरपंच है सुनीता जी की लाश के ऊपर मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है। ये सब उसकी ड्रामेबाजी है, खुद ही मारता है और खुद ही उनकी मौत पे अफसोस जाहिर कर रहा है। नंदिनी जी, इस मौत से हम लोगों को बहुत सदमा पहुंचा है। देखिए, आप लोग इस तरह दुखी मत होइए। ये दुख की बात नहीं तो क्या है? उस बेचारी का क्या कसूर था? यही कि अपने पति के खिलाफ खड़े होकर हमारा साथ दे रही थी। और नंदिनी जी देखिएगा, ये जो सरपंच है ना, सुनीता जी की मौत को भुनाने की कोशिश करेगा और खूब तमाशा करेगा गांव के अंदर। तो करने दीजिए ना तमाशा, इस बार उसके तमाशे का पर्दाफाश होगा, सच का सच और झूठ का झूठ निकल आएगा। वो कैसे? सबके सामने मौके पर पहुंचकर उसकी सच्चाई सबके सामने पेश की जाएगी, उसके पैरों तले जमीन की सच्चाई। नंदिनी जी, मैं कुछ समझे नहीं, हम क्या करने वाले हैं? मैं समझाती हूँ। दरअसल सुनीता जी की मौत नहीं हुई। क्या? क्या? अरे हाँ, वो जिंदा है। क्या? हाँ, सही वक्त पर उन्हें सरपंच के आगे ले जाकर वो अपनी सच्चाई सारी बता देंगे। इस वक्त से जितना ड्रामा करना है कर ले। क्या हो रहा है? आप लोग शोर का मचा रहे हैं। सुनीता जी के हत्यारे को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है? ऐसी बात नहीं है, पुलिस अपनी तहकीकात में लगी हुई है। अभी तक वो ट्रक भी बरामद नहीं हुआ है। ट्रक के बरामद होते ही उस ट्रक ड्राइवर को भी पकड़ लिया जाएगा। पुलिस को जो लाश मिली है उसकी शिनाख्त चल रही है, अभी तक वो पहचानी नहीं गई है, क्योंकि लाश का चेहरा पूरी तरह से कुचला हुआ है। आप लोग हमें थोड़ी मोहलत दीजिए, हम लोग हत्यारे को जरूर गिरफ्तार कर लेंगे। चलो भाइयों, अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं। आखिर हम लोग कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? पत्नी की मौत को विरोधियों ने चुनाव का मुद्दा बना दिया है। मेरी पत्नी की चिता जली नहीं कि नंदिनी राजनीति की शोले भड़का रही है। ये बहुत शर्म की बात है भाइयों, बहुत शर्म की बात। मेरे लिए तो ये बहुत दुख की घड़ी है। और कहते हैं कि मैंने ही अपनी पत्नी की हत्या कर दी, मेरा ही हाथ है इसमें। सरपंच बनने के लिए सबने इंसानियत बेच खाई है, भला एक पति कभी ऐसा करेगा? हे भगवान, ये दिन दिखाने से पहले मुझे क्यों नहीं मौत दे दी?
घिनौना इल्जाम, इतना घिनौना इल्जाम चुनाव जीतने के लिए। नंदिनी साहब, नंदिनी साहब, नंदिनी साहब। पीहर पीहर जी, तो मेरी पत्नी को खुशी मिली नहीं, कम से कम मरने के बाद उसे खुश तो रहने दो। नहीं चाहिए मुझे सरपंच की कुर्सी, नहीं चाहिए, ले जाइए। ये कुर्सी उन्हीं को मुबारक हो जिन्होंने किसी की मौत को चुनावी मुद्दा बना दिया, हथियार बना दिया। मालिक, मालिक, हम आपके साथ हैं, कब आइयो। हाँ हाँ, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि आप सब लोग मेरे साथ हैं। अब फैसला आप लोग करेंगे। मेरी पत्नी तो इस गांव के लिए शहीद हो गई। अब विरोधियों को आप लोग ऐसा जवाब दीजिए, ऐसा जवाब दीजिए कि विरोधी किसी की मौत को ऐसा तमाशा करना है। अब तो आप लोग सारा प्लान समझ गए। ये तो करारा जवाब होगा नंदिनी जी। जवाब? अरे मास्टर जी, इसे कहते शेर पे सवा शेर। और देखिएगा सरपंच, ये देख करके ना चारों खाने चित्त होकर गिरेगा। सरपंच जैसे लोगों का यही हाल होना चाहिए जो झूठ की बुनियाद पर अपना महल खड़ा कर लेते हैं। अब तो उनका महल भी ढह जाएगा। और नंदिनी जी, हमको तो लगता है कि सुनीता जी को जिंदा देखकर किसियानी बिल्ली की तरह अपना ही मुंह नोच लेगा, देखिएगा। मुझे तो लगता है कि ये सरपंच की जिंदगी की पहली मात, पहली हार होगी। उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके साथ ऐसा। बिल्कुल, वो तो ऐसा मातम मनाने में लगा है जैसे अपनी पत्नी का सगा था। देखिए, इस बात का पता किसी और को नहीं चलना चाहिए। कौन बताएगा? गया, तुम अपना मुंह बंद ही रखना, इसके पेट में बात पसती नहीं है। मास्टर जी, कमाल करते हो, आप जानते नहीं हो गए आपको जैसे है। मैं तो मजाक कर रहा था, तुम बुरा मान गए। हमें बहुत ही होशियारी से काम लेना होगा। किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। अब वो वक्त आ गया है कि हमें सरपंच को उसी के वार से मारना होगा। डिट फॉर दैट, जैसे को तैसा। बिल्कुल सही तैयारी है आपकी। इस पर हम चलते हैं, आपको हमारी जब भी जरूरत हो आप फोन कीजिए, हम हाजिर हो जाएंगे। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते, राम। पीहर प्रायोजक क्लिनिक प्लस, हफ्ते में 3 बार क्लिनिक प्लस।